कीटोन बॉडीज आज का हमारा टॉपिक है। वी आर डिस्कसिंग लिपिड मेटाबॉलिज्म फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री की बुक जिसका नाम है सत्या नारायणा। और मैं हमेशा जब ये किसी भी चैप्टर को डिवाइड करके पढ़ा रहा होता हूँ तो ये बात लाजमी करता हूँ, मेरी पिछली वीडियोज इस चैप्टर की पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इंट्रोडक्शन टू लिपिड मेटाबॉलिज्म, बिगर पिक्चर क्या है, और फिर फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। सो आपको अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी इस चैप्टर की, ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, तो वो पहले देख लीजिएगा, बाद में फिर कीटोन बॉडीज की तरफ आइएगा, वरना बात समझ में नहीं आएगी। अच्छा, पहली तो बात ये कि बॉडी में कीटोन बॉडीज बनती हैं उस वक्त जब देर इज इंक्रीज्ड लाइपोलिसिस। होता बेसिकली ये है कि जब लिपिड ब्रेकडाउन ज्यादा होता है, एंड विल टॉक अबाउट द रीजंस कि क्यों लिपिड ब्रेकडाउन ज्यादा होता है। Whenever there is increased breakdown of lipid या किसी भी और वजह से, if you have more acetyl CoA in the body, which is actually not being utilized in the Krebs cycle, तो अगर Krebs cycle में acetyl CoA ठीक से utilize नहीं होता तो it starts forming ketone bodies। और तीन तरह की ketone bodies हैं, acetone, acetoacetate and beta hydroxybutyrate। तो these are three ketone bodies which you have to remember। मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी कि if you have more lipolysis या लेस ग्लूकोज यूटिलाइजेशन या लेस एक्टिविटी ऑफ द क्रेब्स साइकिल, एज अ रिजल्ट एसिटाइल कोए इंक्रीजेस इन योर बॉडी। और ये जो इंक्रीज एसिटाइल कोए है, इट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ यू नो दीज कीटोन बॉडीज विच आर एसिटोन, एसिटोएसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट। ये तीन नाम आपने याद रखने हैं, कीटोन बॉडीज यही तीन है। ओके, ओनली द फर्स्ट टू आर एक्चुअली द ट्रू वंस, एसिटोन एंड एसिटोएसिटेट, जबकि जो बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट है, इट डज नॉट कंटेन अ कीटो ग्रुप विच इज अ सी डबल बॉन्ड ओ। सो अगर आप स्ट्रक्चर्स देखो, सो यू सी एसीटोन, देयर इज अ सी डबल बॉन्ड ओ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे भी कीटो फंक्शनल ग्रुप है बट यहाँ पे नहीं है, दिस इज एक्चुअली एन अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, सो इट्स नॉट अ ट्रू कीटोन बॉडी, बट बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर प्रॉपर्टीज एंड सिमिलैरिटी ऑफ देयर जनरेशन इन द पाथवे, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कीटोन बॉडी। बट एटलीस्ट यू शुड नो कि जो कीटो फंक्शनल ग्रुप है वो एसीटोन और एसिटोएसिटेट में होता है, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट में नहीं होता। ओके, now all the ketone bodies, all three of them, they are water soluble and they produce energy. Acetone however is an exception since it cannot be metabolized, that's an important point. So aapko ye teen naam yaad rakhne, phir beta hydroxybutyrate ke bare mein ki special baat hai ki ye true ketone body nahi hai because isme keto functional group nahi hai, then acetone ki metabolism body mein nahi hoti, that's an important point. Ketone ke banne ko, yani whenever keto bodies are produced in the body, the process is known as ketogenesis. ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अगर lipid body में बन रही है, so that is what we call lipogenesis. अगर glucose बन रहा है तो gluconeogenesis. So इसी तरह ketogenesis. और ये कहाँ होती है? Largely it happens in the liver, and the enzymes are present, you know, in the mitochondrial matrix. होता ये कि जो acetyl CoA formed by the oxidation of fatty acids, pyruvate or some amino acids is the precursor for the ketone body. So that is the culprit molecule. अब ये जो मॉलिक्यूल है, हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की वीडियोस में देखा है कि दैट इज द सेंट्रल मॉलिक्यूल। ग्लाइकोलिसिस में भी ये होता है कि जी ग्लूकोज से अल्टीमेटली पाइरुवेट बनता है, लैक्टेट बनता है, सो पाइरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए। लिपिड की जब ब्रेकडाउन होती है, वी गेट एसिटाइल कोए। फ्रॉम अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म आल्सो समटाइम्स वी गेट एसिटाइल कोए एंड वी हैव एसिटाइल कोए, इट इज द प्रीकर्सर फॉर ऑल द कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन। सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, द सिस्टम स्टार्ट्स बाय एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल, सो द टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू मेक एसिटोएसिटाइल कोए बाय द एंजाइम कॉल्ड बीटा कीटोथायोलेज, एंड दिस एसिटोएसिटाइल कोए देन कन्वर्ट्स इनटू बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लिसराइल कोए, एचएमजी कोए जिसको हम कहते हैं, बाय द एंजाइम नोन एज एचएमजी कोए सिंथेस, which then further you know is acted upon by HMG CoA lyase, and you get acetone and beta hydroxy butyrate as well as acetoacetate. So ye pura cycle jo hai, that is the cycle of ketone body formation. Dekhiye teeno ketone bodies ban rahi hai at the end, acetoacetate, acetone, that is a spontaneous conversion of acetoacetate into acetone, and this enzyme is required for the formation of beta hydroxybutyrate. Okay, so the first step is two molecules of acetyl CoA condense to form acetoacetyl CoA. This reaction, one molecule of acetyl CoA, other molecule of acetyl CoA, they combine together and they make acetoacetyl CoA. Enzyme is beta ketothiolase. Okay, so that's easy. Then acetoacetyl CoA, जो कि इस step में बना था, it combines with another molecule of acetyl CoA to produce beta hydroxy beta methyl HMG CoA basically, or that is the step number two.
So this acetoacetyl CoA combines with another acetyl CoA to produce HMG CoA, and then the HMG CoA lyase cleaves the HMG CoA into acetoacetate and acetyl CoA. So acetoacetate ban gaya, which can be converted into acetone or the beta hydroxybutyrate. So that's how you produce the ketone bodies. Simple stuff. आपको इसमें बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है. Easy चीज है ये. स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना भाई, क्या है एसिटाइल कोए. अब ये आपको पता होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं जब आप, कि एसिटाइल कोए किन किन चीजों से बनता है. सो इट इज प्रोड्यूस फॉर एग्जाम्पल एज अ यू नो एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलिसिस में बनता है. इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय फैरी एसिड, लिपिड मेटाबॉलिज्म के एंड पर बनता है, अमाइनो एसिड से बनता है. सो व्हेनेवर यू हैव अ लॉट ऑफ एसिटाइल कोए देयर, और एसिटाइल कोए यूजुअली क्या करता है, इट एंटर्स इनटू द क्रैब्स साइकिल और एनर्जी बना के देता है आपको ठीक ठाक. बट देर आर इंस्टेंसेज जब ये एसिटाइल कोए क्रैब्स साइकिल में एंटर नहीं हो रहा होता, और जब ऐसा होगा तो फिर ये ज्यादा ज्यादा कीटोन बॉडीज बनाएगा. ओके, यूटिलाइजेशन क्या है इनकी, दे आर वाटर सॉल्युबल एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड इजिली फ्रॉम द लिवर टू मेनी टिश्यूज. द टू कीटोन बॉडीज एसिटोएसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सोब्यूटरेट, एसिटोन निकाल दिया है इसमें से, ठीक है, क्योंकि ये मेटाबोलाइज नहीं होता बॉडी में. सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे गिव यू अ लॉट ऑफ एनर्जी. सो दे प्रोड्यूस एटीपी, दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर पेरिफेरल टिश्यूज इंक्लूडिंग द स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, रीनल कॉर्टेक्स. नाउ द टिश्यू व्हिच लैक माइटोकॉन्ड्रिया, फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स, हाउएवर कैन नॉट यूटिलाइज कीटोन बॉडीज, बिकॉज सारा कीटोन बॉडीज का गेम हो कहां पे रहा था, ये कहां बन रही थी, दे वर ऑल बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया में अगर ये प्रोसेस होना है, और माइटोकॉन्ड्रिया रेड ब्लड सेल्स में है ही नहीं, तो कीटोन बॉडीज रेड ब्लड सेल्स से कोई लेना देना नहीं है. ओके, नाउ द प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज एंड देयर यूटिलाइजेशन बिकम मोर सिग्निफिकेंट व्हेन ग्लूकोज इज इन शॉर्ट सप्लाई, बिकॉज ग्लूकोज इज यूजुअली यूज्ड टू गेट एडीपी. बट इफ ग्लूकोज इज नॉट इनफ, सच एज इन स्टार्वेशन, यानी आप खा नहीं रहे, या फिर डायबिटीज है. डायबिटीज का प्रॉब्लम यह है कि द सेल इज देयर, द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज देयर, बट सिंस देयर इज नो इंसुलिन, आइदर नो इंसुलिन और देयर इज रेजिस्टेंस टू इंसुलिन, तो एज अ रिजल्ट होता ही है कि जो ग्लूकोज है ये सेल के अंदर एंटर नहीं होता. तो सेल बेचारा तो ग्लूकोज के लिए भूखा है ना, इसको तो ऐसा लगेगा कि ग्लूकोज कम है. सो आइदर यू आर स्टार्विंग और यू हैव डायबिटीज, योर सेल्स आर हंग्री फॉर ग्लूकोज. सो ऐसी कंडीशन में कीटोन बॉडीज कैन बी यूटिलाइज एज सोर्स ऑफ एनर्जी. कौन कौन सी कीटोन बॉडीज, बाय द वे तीन होती है ना टोटल. एनर्जी किस किस से मिलेगी, एसिटोएसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट से. ओके, अब ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि व्हेन देयर इज प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन कंडीशन, कीटोन बॉडीज आर द मेजर फ्यूल फॉर ब्रेन एज वेल. सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी नोटेड दैट द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू यूटिलाइज फैटी एसिड्स फॉर एनर्जी इज वेरी लिमिटेड. बट एनीवेज, अगर लॉन्ग टर्म स्टार्वेशन है तो फिर और क्या करें. द कीटोन बॉडीज कैन मीट 50-70% ऑफ द ब्रेन एनर्जी नीड्स, दिस इज एन अडैप्टेशन फॉर सर्वाइवल, पर्टिकुलरली उन कंडीशन में जब आप खाना नहीं खा रहे हैं. अच्छा जी, रिएक्शंस ऑफ कीटोन बॉडीज, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू एसिटोएसिटेट एंड मेटाबोलाइज्ड, सो दैट्स मेटाबोलाइज्ड इन योर बॉडी. और एसिटोएसिटेट जो है, इट इज देन एक्टिवेटेड टू एसिटोएसिटाइल कोए, व्हिच इज अ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, एंड द कोएंजाइम ए इज नोटेड बाय द सक्सिनाइल कोए, व्हिच इज एन इंटरमीडिएट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड साइकिल. देन थायोफ्रेज इज एब्सेंट इन लिवर, हेंस कीटोन बॉडीज आर नॉट यूटिलाइज्ड बाय द लिवर. दैट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्टेटमेंट. Let me first show you if they have shown the metabolism. There it is, you see. So, beta-hydroxybutyrate is converted into acetoacetate by thiophorase action. It is then converted into acetoacetyl-CoA and ultimately by thiolase into acetyl-CoA, which can obviously give you energy later on. So, ye ketone bodies bante bhi acetyl-CoA se hain. और ये मेटाबोलाइज हो के भी एसिटाइल कोए बनाता है. सो बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट इज अ कीटोन बॉडी, ये बनता भी एसिटाइल कोए से था, आपको याद है. वेयर इज इट, ये दो एसिटाइल कोए मिलकर ये और अल्टीमेटली बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट. सो इसी का रिवर्स जो है, दैट विल गिव यू एसिटाइल कोए. सो यू गेट एसिटाइल कोए. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम देयर इज थायोफ्रेज, एंड दिस थायोफ्रेज इज एब्सेंट इन लिवर. सो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, बड़ी मजे की बात है, लिवर में कीटोन बॉडीज बनते हैं. मैंने भी आपको एक लाइन दिखाई थी इस चैप्टर के स्टार्ट में कि दिस हैपेंस इन लिवर. लिवर में ये कीटोन बॉडीज सिंथेसाइज हो रही हैं, लेकिन खुद लिवर इसको यूज नहीं कर सकता. तो वो कहते हैं ना, चराग तरे अंधेरा, चराग के नीचे अंधेरा, यानी खुद चराग जलाया हुआ है लेकिन खुद यूज नहीं कर सकते. सो लिवर कैन नॉट यूटिलाइज द कीटोन बॉडीज बिकॉज इट डज नॉट कंटेन दिस एंजाइम थायोफ्रेज, व्हिच इज यूज्ड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज. सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके,
अच्छा जी, द ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स, देर इज अ कॉन्स्टेंट प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज बाय द लिवर एंड देर यूटिलाइजेशन बाय द एक्स्ट्रा लिवर टिश्यूज, यानी लिवर में बनता है और बाहर जाके यूज होता है. नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन ब्लड इज मेंटेन्ड एट अबाउट 1 mg/dL and their excretion in the urine, that's the routine that's actually undetectable, itna low quantity hota hai, jis test se isko check karte hain, that is called the Rothera's test. Ab waise advanced techniques bhi aa gayi hain, by the way, so that's normal. When the rate of synthesis of ketone bodies exceeds the rate of utilization, ab obviously dekho liver mein ye ketone bodies ban rahi hain aur bahar ja ke use ho rahi hain. Agar kisi bhi wajah se bahut zyada ketone bodies banti hain, itni ki utni use bhi nahi ho rahi, तो फिर दे विल ऑब्वियसली डेवलप इन द ब्लड ना, उनका लेवल बढ़ जाएगा. दिस इज व्हाट इज व्हाट वी कॉल कीटोनीमिया. सो कीटोनीमिया इज प्रेडोमिनेटली द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन द ब्लड एंड द टर्म कीटोन यूरिया इज देन, जब जाहिर है ये बॉडी में ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन कीटोन बॉडीज की बढ़ेगी तो किडनी से वो सिक्रीट भी होगा एंड देयरफॉर दिस इज देन कॉल्ड कीटोन यूरिया. द ओवरऑल पिक्चर जिसमें कीटोनीमिया भी है, यानी ब्लड में भी कीटोन बॉडीज बढ़ गई हैं और यूरिन में भी रिलीज हो रही हैं, इस ओवरऑल पिक्चर को हम कहते हैं कीटोसिस. तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय कीटोनीमिया, इंक्रीज ब्लड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडी, कीटोन यूरिया, कमिंग ऑफ यू नो कीटोन बॉडीज इनटू द यूरिन एंड देन कीटोसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ओवरऑल सिनेरियो. स्टार्वेशन इज अकंपनीड बाय इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड दिस इज वेयर स्टार्वेशन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एसिटाइल को ए एंड व्हेन यू गेट अ लॉट ऑफ एसिटाइल को ए दैट मीन्स दैट यू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ कीटोन बॉडीज. सो स्टार्वेशन इज वन ऑफ द कंडीशंस. ओके, इट इज ऑल लिंक्ड विद इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल को ए. Moreover, TCA cycle is impaired. तो जो थोड़ा बहुत एसिटाइल को ए बन रहा है इसको यूजली TCA cycle में या Krebs cycle में एंटर होना था, वो भी नहीं हो रहा. तो फिर एसिटाइल को ए और क्या करेगा, ये बन भी रहा है ज्यादा अमाउंट में और TCA cycle में भी नहीं जा रहा, तो इट शिफ्ट इट्स मेटाबॉलिक पाथवे towards formation of ketone bodies. That's what happens. So starvation mein there is ketosis. Important point. Why? Because there is overproduction of ketone bodies. Why? Because acetyl-CoA is produced a lot. Why? Because there is a lot of fatty acid oxidation starvation mein, okay, when you are not eating enough. अच्छा, कीटोन यूरिया एंड वेट लॉस प्रोग्राम्स, द अपीयरेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन इज एन इंडिकेशन ऑफ एन एक्टिव फैट मेटाबॉलिज्म. सम प्रोग्राम्स डिजाइन फॉर बॉडी वेट लॉस एक्चुअली वो ऐसी ड्रग्स देते हैं जिससे लिपिड मेटाबॉलिज्म बढ़े तो यूरिन में कीटोन आएगा. सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड रिमेंबर एज अ क्लिनिकल प्रैक्टिशनर. Now, the diabetes mellitus, this is another condition जिसमें ketone bodies बहुत ज्यादा बनती है. क्यों? Because diabetes mellitus is associated with insulin deficiency. As a result, the carbohydrate metabolism is all disturbed. Cell को ऐसा लगता है कि glucose है ही नहीं. And as a result, what happens? कि increased lipolysis happen. So, diabetic patient में भी और starvation में भी, दोनों condition में जो common चीज है वो ये कि there is increased lipolysis. और increased lipolysis की वजह से there is increased production of acetyl-CoA, which leads to formation of a lot of ketone bodies. As much as 100 mg/dL. Normal मैंने आपको बताया there was such a small amount. So 1 mg/dL level normal है blood में और it can go up to 100 or even more. Okay. Now regulation, ketone body formation occurs primarily due to non-availability of the. So जब carbohydrate available नहीं होगा तो ketone bodies बनना शुरू हो जाएंगी lipolysis के जरिए. This is an outcome of excessive utilization of fatty acid to meet the energy requirement. So the story is कि अगर body में किसी भी वजह से carbohydrate enough नहीं है, which means कि या तो आप starvation कर रहे हैं या आप diabetic हैं. So दोनों condition में you cannot utilize carbohydrates. तो इस सूरत में who takes up? Lipids take up. एंड लिपिड्स के भाई मुझसे एनर्जी ले लो यार, और जब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली फैटी एसिड यू नो ऑक्सीडेशन ज्यादा होगी एंड व्हाट यू विल गेट इन ग्रेट क्वांटिटीज इज एसिटाइल कोए. ओके, द हार्मोन ग्लूकागोन स्टिमुलेट्स कीटोजेनेसिस वेयर एज इंसुलिन इनहिबिट्स इट. बिकॉज इंसुलिन तो ये करेगा ना, वो कहेगा यार ग्लूकोज यूज करो ना भाई. इंसुलिन गेट्स ग्लूकोज इन टू द सेल. तो इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को यूज करवाना, और बाय डिफॉल्ट अगर ग्लूकोज ज्यादा यूज होगा तो कीटोन बॉडीज नहीं बनेंगी. तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. ओके, नाउ कीटोजेनिक एंड एंटी कीटोजेनिक सब्सटेंसेस. नाउ कीटोजेनिक सब्सटेंसेस वो हैं जो कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन करवाएंगे, और एंटी कीटोजेनिक ऑब्वियसली नाम से जाहिर है ये वो हैं जो कीटोजेनेसिस को रोकेंगे. सो द कीटोजेनिक सब्सटेंसेस विच प्रमोट कीटोजेनेसिस इंक्लूड फैटी एसिड्स, सर्टेन अमीनो एसिड्स, ल्यूसीन, लाइसिन, टायरोसिन एंड द एंटी कीटोजेनिक सब्सटेंसेस. अब तक आपको आइडिया हो जाना चाहिए ग्लूकोज इज द बिगेस्ट वन, बिकॉज व्हेन ग्लूकोज इज देयर या ग्लूकोज फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स आर देयर, दे विल प्रमोट द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड इट गोज लाइक दिस. इफ ग्लूकोज इज ओके
then ketone bodies are not okay. It's like this. So they are like this, okay? And if glucose is not okay, then more ketone bodies, they are okay. So if glucose is there, then no ketogenesis, okay? Now, what is ketoacidosis? Both acetoacetate and beta-hydroxybutyrate, आप देख रहे हैं, acetone की बात नहीं हो रही, because वो body में metabolize नहीं होता. They are both strong acids. So, if their levels increase in the blood, then there is a condition of acidosis, metabolic acidosis. So, that's an important thing which you need to remember. And we will study a lot in medicine, a terminology called diabetic ketoacidosis. So, imagine a patient who is diabetic, उसका ये cell है, बाहर अगर glucose पड़ी भी है, तो चूंकि insulin नहीं है, या insulin की resistance है, ये glucose cell के अंदर नहीं जा रहा, तो cell को ऐसा लगता है कि there is no glucose, and the cell starts degrading lipids, और lipids degrade होंगे, more and more acetyl-CoA, and more ketone bodies. So, the body will have acidic pH, and that is because of diabetes, therefore it is called diabetic ketoacidosis. It can also lead to coma, death, it's a serious condition, and it has to be treated, okay? There has to be rapid treatment, because you give normal saline, sometimes insulin, electrolyte imbalances ko theek karna hai, ketogenesis can be life-threatening, okay? That's a good diagram where they are showing you multiple stakeholders in ketone metabolism. So, liver is obviously the one which produces ketone body from fatty acid. So, fatty acid hoga, ya glucose hoga, ya whatever, you get acetyl-CoA, and from the acetyl-CoA you get ketone bodies. Now these ketone bodies get out into the blood and they can be utilized by different organs of your body, and in the extrahepatic tissues you see this is being easily utilized, and when it is utilized it is giving you ultimately ATP. So produced in the liver, gets out in the blood, reaches the extrahepatic tissues being utilized, okay, and you excrete them from your kidneys and a little amount also from your lungs. Okay, so that's all about ketone bodies, very important topic. Next up, fat ki jo video hogi, wo hogi ke fatty acid body mein bante kaise hai. So stay tuned, milta hoon agli video mein.